अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार का फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपात्त राशन कार्ड धारकों पर सख्ती कर रही है। यूपी सरकार की तरफ से ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। सरकार आपात्त राशन कार्ड धारकों पर बड़े एक्शन के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जरूरतमंद का राशन नहीं बंद होना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सीएम योगी की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में हर गांव और मोहल्ले में मुनादी के जरिए जानकारी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने से गरीब परिवार सरकार की योजना से वंचित रह जा रहे हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि किसी अपात्र के पास राशन कार्ड है तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने वालों से राशन की वसूली के साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी फैमिली जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पोरेट एरिया का कॉमर्शियल प्लेस हो, शहरी क्षेत्र के परिवार की आय 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख सालाना से अधिक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।